आज हम बेकरी जैसी मुंह में घुल जाए ऐसे नान खटाई बहुत ही आसान विधि से घर पे ही बनाएंगे। नान खटाई के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे हमारे किचन में होते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। बेकरी जैसी सॉफ्ट और मुंह में घुल जाए ऐसे नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले हम देसी घी लेंगे। मैंने यहाँ पर आधा कप घी लिया है। हमें पूरा मेल्टेड घी या फिर बहुत घट्ट घी नहीं लेना है, थोड़ा जमा हुआ घी होना चाहिए, सॉफ्ट टेक्सचर का होना चाहिए। अगर गर्मी के कारण आपका घी पतला है तो थोड़ी देर फ्रिज में रख कर लीजिए। अब आधा कप पीसी हुई शक्कर डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। शक्कर को मैंने मिक्सी में पीस के लिया है। आधा कप घी के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप शक्कर ली है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो 1 से 2 टेबलस्पून शक्कर आप और ऐड कर सकते हो। शक्कर को मैंने यहाँ पर छान के लिया है। शक्कर और घी को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे फेंटेंगे। इसका फॉर्मी टेक्सचर आना चाहिए, तब तक हमें इसे फेंटना है। आप फेंटने के लिए चम्मच या इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज़ कर सकते हो। ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस तरह करने से हमारे नान खटाई बहुत ही बढ़िया और मुंह में घुल जाने वाली बनेगी। ये देखिए, इसका फॉर्मी टेक्सचर आ गया है। ये परफेक्ट टेक्सचर है, हमें ऐसा ही चाहिए। आज हम नान खटाई 2 तरीकों से बनाएंगे, एक ओवन में और दूसरा बिना ओवन बनाएंगे। ओवन को मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट करने रख दिया है। दूसरी मेथड में आज हम नान खटाई कढ़ाई में बनाएंगे। आप कढ़ाई के बदले कुकर का भी यूज़ कर सकते हो। अगर कुकर में बना रहे हो तो इसकी सीटी और गास्केट आप निकाल दीजिए। कढ़ाई में मैंने एक स्टैंड रखा है और इसे ढककर अब मैं हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट करने रख दूंगी। ओवन और कढ़ाई हमारे प्रीहीट हो रहे हैं, तब तक हम नान खटाई बना लेते हैं। एक छन्नी लेंगे, सारी चीज़ों को हमें छान के ही लेना है। यहाँ पर मैं 1 कप मैदा ले रही हूँ, 1/4 कप बेसन लेंगे, 1/4 कप बारीक रवा डालेंगे। अगर आपका रवा थोड़ा मोटा है तो इसे मिक्सी में पीस के लीजिए। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, चुटकी नमक डालेंगे, इससे नान खटाई का स्वाद एनहांस हो जाएगा। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब सारी चीज़ों को हम छान लेंगे। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है। आप मैदा के बदले गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैदा से इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हल्के हाथों से सारी चीज़ों को मिलाते जाएंगे और हम रोटी के लिए जैसे आटा लगाते हैं ऐसा ही इसका भी आटा हम लगा लेंगे। ये देखिए, इसका आटा लगा लिया है। और थोड़ा आटा लेके हम देखेंगे इसका पेड़ा अच्छे से बन रहा है, मतलब हमारा आटा परफेक्ट है। अगर आपका आटा हार्ड है तो थोड़ा और घी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक प्लेट में ये इकोबेक पेपर रखा है। आप इसके बदले बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई पेपर ना हो तो प्लेट को घी से ग्रीस करके भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हम मीडियम साइज़ की नान खटाई बनाएंगे। कोई भी 1 स्पून माप के लिए लेंगे और उसी माप से हम सारी नान खटाई के बॉल्स बनाएंगे, जिससे हमारी सारी नान खटाई एक ही माप की बनेगी। पेड़ा बना के प्लेट में रखेंगे और इस तरह बीच में थोड़ा पुश करेंगे, जिससे हम ड्राई फ्रूट से वहाँ पर गार्निश कर सकें। सारी नान खटाई बनके तैयार है। नान खटाई के बीच में हमें थोड़ी जगह रखनी है, जिससे ये अच्छे से फूल पाए। इतने माप से मीडियम साइज़ की 19 नान खटाई बनके तैयार हुई है। कटे हुए बादाम और पिस्ता से हम इसे गार्निश करेंगे, ये ऑप्शनल है। कढ़ाई को 10 मिनट हाई फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया है। अब इसमें हम प्लेट रखेंगे और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखकर इसे 20 से 25 मिनट बेक होने देंगे।
180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन को 10 मिनट प्रीहीट कर लिया है। अब 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसे 20 से 25 मिनट बेक होने देंगे। नान खटाई को बेक होते हुए 20 मिनट हुई है, हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है और बहुत अच्छे से क्रैक्स भी आ गए हैं। अब इसे हम पूरी तरह ठंडा होने देंगे। कढ़ाई की नान खटाई को बेक होते हुए 20 से 25 मिनट हुई है, अच्छे से क्रैक्स आ गए हैं और लाइट गोल्डन ब्राउन कलर भी हो गया है। ये जब गर्म होती है तब सॉफ्ट होती है, इसलिए इसे पहले पूरी तरह ठंडा होने देंगे। ये क्रैक्स पहचान होते हैं नान खटाई की। जितने बढ़िया क्रैक्स होंगे इतनी ही अच्छे से ये बेक होगी और मुँह में घुल जाने वाली बनेगी। इसका बेकिंग टाइम आपके ओवन और गैस की फ्लेम पर भी डिपेंड करेगा, ये बात का आप ध्यान रखें। ये देखिए, एक नान खटाई मैं आपको तोड़ के भी बताती हूँ। हमारी नान खटाई सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाली बनी है। बहुत ही डिलीशियस और यम्मी नान खटाई आप भी इस तरह बनाकर ज़रूर से ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।